अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल्स लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए नई सी वीडियो लेकर आ चुकी हूँ फिर से, और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने लिप ब्लश करती हूँ, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। कि अगर मैंने ये मेकअप नहीं किया और सिर्फ ये कर दिया ना लिप ब्लश, तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है और बहुत ही फेस का फ्रेश लुक आता है। तो जी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जी, यहाँ पर हमने अपने लिप्स पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टिंट लिया है जो भी मेरे पास रखा हुआ है, और आप लोग जो भी अपने लगाते हैं अपने अपने टिंट्स, उनको ले सकते हैं, कोई सा भी टिंट ले लीजिए। उसके बाद मैंने इस तरह से लगाया है कि अंदर का जो लिप्स का इनर साइड होता है उसको थोड़ा डार्क शेड देना है, और जो आउटर साइड होता है उसको लाइट शेड देना है। तो सबसे पहले तो नेचुरल तरीके से मैंने लिप्स को कर लिया है पिंक, और ताकि लगे कि नेचुरल पिंक है, जो कि है नहीं। तो जी, हमने इस तरह से इसको करने के बाद अंदर जो है डार्क पिंक शेड दे देना है लिप्स के आउटर। जो बाहर का जो मैंने साइड बनाया है वो बहुत लाइट बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, और जो इनर साइड जो है मैंने रखा है वो थोड़ा डार्क शेड रखा है, इससे नेचुरल लुक आता है। तो इसी वजह से जो है ना, लाइट और डार्क शेड की वजह से बड़े लिप्स का लुक बड़ा अच्छा आता है, नेचुरल लुक आता है। और सिर्फ लिप ब्लश करने से सबसे ज़्यादा आसानी ये हो जाती है कि आप कोई मेकअप नहीं करें, जल्दी से आपको कहीं जाना है और टाइम नहीं है आपके पास रेडी होने का, तो आप अपने टिंट से जो है लिप को ब्लश कर लीजिए इस तरह से, और फेस का लुक जो है बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। मतलब इतना नेचुरल लुक आ जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा तो ये रेडी होने में सबसे फेवरेट पार्ट है कि टिंट लगा लिया और मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे नेचुरल लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आपको कैसा लुक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।